सावन के महीने में अलग अलग मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक का दौर जारी है। अजमेर के कलेक्ट्रेट स्थित प्रसिद्ध भोलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट पर मौजूद तमाम कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने भी जलाभिषेक करने पहुंची और उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी कर्मचारियों के सहयोग से यह आयोजन रखा गया। विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर उनसे आशीर्वाद लिया गया, जिसके बाद प्रसादी में श्रद्धालु शामिल हुए। भारतीय जिला कलेक्ट्रेट के अंदर पृथ्वीराज महादेव का जो अति प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर में सभी अधिकारियों के और कर्मचारियों के आपसी सहयोग से ये जलधारा का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के अंदर उसके बाद शाम को प्रसादी रखी जाती है और जो भी गणमान्य लोग इसके अंदर भाग लेना चाहते हैं सब लोग भाग लेते हैं, सबका स्वागत है। और काफ़ी सालों से ये क्या नाम है जलधारा सहस्त्रधारा का कार्यक्रम किया जा रहा है। कावड़ भी लाए जाते हैं, कावड़ काफ़ी सालों से लाए जा रही थी, लेकिन पिछले कोविड के बाद से कावड़ नहीं लाके जो दूसरा पोखर का जो कोरोना की वजह से जो जल है वो जल लाके महादेव को चढ़ाया जाता है। और पूरी जो सनातन धर्म की विधि है और उससे पंडितों के साथ पूरा पूजा पाठ के साथ, जैसे अभी आप सुन रहे हैं कि माइक पे आवाज़ आ रही है और इसके ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हाँ, कलेक्टर मैडम भी पता नहीं थी, कलेक्टर मैडम ने भी जलधारा में जल अभिषेक किया है और भी अधिकारी एडीएम साहब वगैरह सब वो लोग भी एक एक करके आएंगे जैसे जैसे उनको समय मिलेगा। अधिकारी महोदय भी सब आते जा रहे हैं और जलधारा कर रहे हैं।